टीचर्स के। यहाँ पर एक और बात जानना चाहूंगी, जब बच्चों में हमने देखा था जब तनाव से बच्चे आत्महत्या करने लगे थे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं आई थी जिसके बाद सीसी सिस्टम लागू किया गया था और ये माना गया था कि नंबर गेम में पढ़कर बच्चे तनावग्रस्त हो जा रहे हैं, और उसके बाद स्कूलों ने अपनी तरफ से काउंसिलर्स को रखा था जो बच्चों की मनोवैज्ञानिक ढंग से उनको काउंसिल करती थी यदि वो तनाव में आते थे। क्या आप ये समझते हैं कि अब जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारी और घटनाएं हो रही हैं, केवल यही घटना नहीं है, बच्चे खुद भी अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तमाम तरह के इलीगल एक्टिविटीज भी स्कूल्स में होने लगी हैं, क्या आपको लगता है कि अब ये जरूरी है कि हर स्कूल में एक लीगल काउंसलर भी रखना चाहिए जो बच्चों को सही गलत समझा सके? यदि किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा शोषण का हो जाता है तो तुरंत अपने लीगल काउंसलर के पास जाके अपनी बात कर सके, न कि वो घर आए जी, 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 डरा जी, रहे अच्छा फिर अपनी माँ को बताए अच्छा फिर इस पे एक्शन हो। जी जी, साइकोलॉजिकल काउंसलर के साथ साथ अगर लीगल काउंसलर भी होगा और लीगल काउंसलर अगर उसको ये समझाएगा कि आपके साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है, क्योंकि देखिए जो 14-15 साल तक की एज के बच्चे होते हैं उनकी टेंडर एज होती है और वे बहुत सी बातों को नहीं समझ पाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने उनके पीठ पर या किसी अन्य मार्मिक स्थान पर अगर कोई हाथ रख दिया या कोई किसी प्रकार से टच कर दिया तो हो सकता है वो बच्चा उस व्यक्ति की इंटेंशन को ना समझ पाए। परंतु बच्चों में भी इस प्रकार की जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि अगर आपके किसी मार्मिक स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर कि जो आपका प्राइवेट पार्ट है, अगर कोई अनुचित व्यक्ति या इलीगल, चाहे वो उसका साथी ही क्यों ना हो कक्षा में पढ़ने वाला, वो अगर इस प्रकार की घटना करता है तो उसकी तुरंत सूचना संबंधित वहाँ कोई एक ऐसा सेल बनाया जाए। देखिए, हर बात की शिकायत प्रधानाचार्य से किया जाना संभव नहीं है, और ना प्रधानाचार्य या जो भी उसके हेड ऑफ द स्कूल हैं वो इसको इतना समय दे पाएंगे। तो मेरी राय यह है कि इस तरीके के घटना के बारे में एक अलग से एक सेल, जैसे कहना चाहिए कि मे आई हेल्प यू टाइप की एक हेल्प डेस्क वहाँ क्रिएट कर दी जानी चाहिए, ताकि जो बच्चों की तात्कालिक समस्याएं हैं या तात्कालिक शिकायत है उसको वो वहां पर दर्ज करा सकें और उसके बारे में स्कूल प्रबंधन गंभीरता से उस पर निर्णय ले। बिल्कुल, और जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। जी।